भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए प्रदेश को भेजी गई स्वास्थ्य उपकरणों की खेप सांसद किशन कपूर ने जिला कांगड़ा प्रशासन को सौंपी। किशन कपूर ने इस मौके पर कहा कि राजनीतिक दल इस समय घटिया स्तर की राजनीति न करें और देश हित में कार्य करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए प्रदेश को भेजी गई स्वास्थ्य उपकरणों की खेप जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर एवं भाजपा पदाधिकारियों ने SDM रोहित राठौर के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपी। इस मौके पर सांसद किशन कपूर ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से स्वयं फीडबैक लेकर उन्हें निर्देश देने के साथ साथ जो जो प्रदेशों को जरूरत है वो मदद उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कई तरह के दुष्प्रचार कई राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। कपूर ने कहा कि इस वक्त सभी राजनीतिक दलों को वो सलाह देना चाहते हैं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है और इस समय सभी को एकजुट होकर कोरोना महामारी से निपटना चाहिए। सांसद किशन कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संकट की इस घड़ी में भी समाज में सेवा की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एक कार्य सौंपा है कि सेवा ही संगठन है और इसी कड़ी के तहत भाजपा द्वारा लोगों के बीच में कार्य किए जा रहे हैं। सांसद किशन कपूर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों के भीतर ही कांगड़ा जिला में केंद्र और प्रदेश सरकार की सहायता से 34 नए वेंटिलेटर टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रत्येक मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य कार्यकर्ता दिन रात कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। कई किस्म के दुष्प्रचार आजकल कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और मैं तो उनको एक ही सलाह दूंगा कि उनको इस समय राजनीति का नहीं है। इस समय हर नागरिक को हमें समाज की सेवा करनी है, इस भावना से हमें काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा की भावना से ही काम कर रही है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने एक संकल्प भी लिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक काम सौंपा है कि सेवा ही संगठन है, उस सेवा ही संगठन के नाते ही कल उन्होंने वहाँ से राहत सामग्री जो है ये भेजी थी। और इसमें हमारे देश के जो वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने प्रदेश के लिए जो सामग्री भेजी है वो लगभग 3 प्लाई मास्क जो हैं वो 30 लाख भेजे हैं, N95 50,000 भेजे हैं, ग्लोव्स 25,000 भेजे हैं, फेस शील्ड 10,000 भेजी है, PPE किट जो है वो 7,000, ऑक्सीजन मास्क 6,000, NRM 3200 और ऑक्सीजन रेगुलेटर, वो उसकी बहुत किल्लत यहाँ थी, वो उन्होंने विदेशों से मंगा कर 1500 हिमाचल प्रदेश को भेजे हैं। नेजल कैनुला जो है वो 2501 भेजे हैं और हमारे जिला कांगड़ा के लिए 3 प्लाई मास्क जो हैं वो 5,000, ग्लोव्स 2,000, PPE 400, फेस शील्ड 100, NRM 250 प्लस ऑक्सीमीटर 100, ऑक्सीजन मास्क 400, N95 300, ऑक्सीजन रेगुलेटर 240। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।